हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आपको हम एमएस पेंट के सिलेक्शन ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है रेक्टेंगुलर का एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं सेलेक्ट करने के लिए। अच्छा, रेक्टेंगुलर और फ्री फॉर्म सिलेक्शन में क्या डिफरेंट है? देखिए, रेक्टेंगुलर आपका एक फिक्स एरिया होता है कि जितना आप सेलेक्ट करेंगे, जितना आप माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे उतना ही एरिया सेलेक्ट होगा। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर रेक्टेंगुलर वगैरह शेप को सेलेक्ट करने में करते हैं। और फ्री फॉर्म का काम क्या होता है? आप अपने माउस का इस्तेमाल करके जिस भी शेप में चाहें उस शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर में क्या करते हैं, हम जैसे इस शेप को, ये शेप बना हुआ है, इस शेप को मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली हम यहाँ से इस कॉर्नर से हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर इस्तेमाल करोगे। अगर यहीं पे मुझे, अगर रेक्टेंगुलर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो इस एरिया को मैं ऐसे नहीं सेलेक्ट कर पाऊँगा, तब ये पूरा आपका रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट होगा। तो जब मूव करोगे ना, तो ये पूरा साथ में आपका मूव होगा। तो इस सर्कल को मुझे सेलेक्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और फ्री फॉर्म सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। जितना भी एरिया आपको सेलेक्ट करना है, माउस से आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ठीक है। जितने परफेक्टली आप इसको चलाओगे, उतने परफेक्टली ये आपका सेलेक्ट होगा। ये आपके माउस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप माउस किस तरीके से चलाती है। देखिए, पूरा आपका इस शेप में सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट होता है आपका सेलेक्ट रेक्टेंगुलर एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेलेक्ट ऑल। अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है, तो आप नॉर्मली इस पर क्लिक कर दीजिए और ये आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ना, पूरा सेलेक्ट करके आप इसको मूव कर सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है इन्वर्स सिलेक्शन। अभी इन्वर्स सिलेक्शन का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने सेलेक्ट किया। अभी इसके अलावा बाकी ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट है, हम ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका डिसलेक्ट हो जाए, ठीक है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया था, ये ऑब्जेक्ट आपका डिसलेक्ट हो जाए, बाकी जो भी इसके बाहर बना हुआ है पूरा सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स सिलेक्शन पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट डिसलेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम डिलीट प्रेस करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी इसके पीछे जितनी भी चीज़ें बनी थी वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये सिलेक्ट था। और जब ये सिलेक्ट था, मैंने इन्वर्स किया, और इन्वर्स किया तो इसको छोड़ करके बाकी इसके पीछे की चीज़ें पूरी सेलेक्ट होगी। तो ये होता है आपका इन्वर्स, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। तो इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसपेरेंस में क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो आपका रिमूव हो जाता है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हम लेते हैं और इस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसको हम मूव करके लाते हैं ना, तो इसके बैकग्राउंड का जो भी पार्ट था वाइट वाला, ये पीछे आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये भी फिलहाल के लिए यहाँ पे मौजूद है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए ट्रांसपेरेंट का मतलब इस पार से उस पार देखा जा सके। तो यहाँ पे हम आएंगे और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो आपका बैकग्राउंड वाइट वाला होगा ना, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। आप अगर इसको हटा दोगे तो दोबारा से आपका ट्रांसपेरेंट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसके बैकग्राउंड को हटा सकते हो और दोबारा से ला सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। उसके बाद में जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया उसको डिलीट करना, तो नॉर्मली आप डिलीट पे प्रेस कर दोगे और वो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ सिलेक्शन ग्रुप के ऑप्शन, जैसे रेक्टेंगुलर, फ्री फॉर्म सेलेक्ट, इन्वर्ट सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, डिलीट, है ना। इसमें से जो भी अगर आपको नहीं समझ पे आता है, तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपको जानना है, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो आप बना के अपलोड कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।